मुस्लिम स्टाइल रोटी। जी मेरी बोतल ले लीजिए। बोतल उधर की उधर उधर की उधर उधर उधर। ओके ये तोतू है, आजकल सुतलाने लग गया ना ज्यादा है ना। देसी स्टाइल अचारी चिकन लो बाबू। कैसा है ना छोड़ा? बढ़िया। सही में मैं चोखू पहले। यम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज मियाँ साहब ने जो है फरमाइश कर दी कि अचारी चिकन बनाया जाए, वो भी नींबू के अचार के साथ, जो कि तीखे वाला नींबू का अचार होता है, उसी की प्रिपरेशन में जो है मैं लगी हुई हूँ। बहुत उम्दा और आला रेसिपी जो है ये बनती है। और वैसे भी पैंडेमिक में हम लोगों के पास यूँ भी कुछ काम नहीं है, तो जो एक हमारी सालों से हसरत होती है कि हमारे हस्बैंड जो है हमें वक्त दें, और बहुत अच्छा वक्त जो है हम उनके साथ गुजारें, अच्छे से खाएं पिएं और इन्जॉय करें, तो कुछ हो ना हो इस पैंडामिक में वो चीज़ हमें ज़रूर मिल रही है। और वैसे भी अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, तो आपका पूरा दिन किधर चला जाता है पता नहीं पड़ता है। इसी तरीके से दिन भर जो है मेरा भी गुजर जाता है, कुछ इधर के काम निपटाती हूँ, कुछ कुकिंग करती हूँ, कुछ फैमिली के साथ, तो मेरा पूरा दिन खुशनुमा सा ही गुजर जाता है। और आज मियाँ साहब ने जब ये कहा कि आप ये रेसिपी बनाओ, तो मुझे एक्साइटमेंट था कि आपने स्टार्टिंग में देखा कुछ देसी तरीके से आज हम बैठ के खाएंगे, बिल्कुल मुस्लिम ट्रेडिशनली पैटर्न जो कि पुराने वक्तों में होता था, एक खून में रख के हमारे मालवा में खाया जाता था, तो उस तरीके से मैंने आज इस फूड को जो है वो इन्जॉय करा। और जो न्यूली गर्ल्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन टिप, उन्होंने सुना होगा कि बुज़ुर्ग कहते हैं पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। तो बिला शुबा आज तो गूगल है, इतनी एडवांस टेक्निक्स हमारे पास है कि हम रेसिपी जो है फौरन सीख सकते हैं और उम्दा सीख सकते हैं। तो अपने पति को जो है अच्छी रेसिपीज बना के खिलाएं ताकि वो आपकी सुने। और मेरा एक शुरू से ही फंडा रहा, वो ये रहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप जो है मेरा ये नहीं करते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से करा, कुछ मैंने बुजुर्गों से सीखा, कुछ मैंने रीड करा, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जो फ्रेंड्स जिनकी जल्दी शादी हो गई थी मैंने कुछ उनसे टिप्स लिए, और ये सबको फॉलो करते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह से ज़िंदगी जो है वो वाकई हसीन और ख़ूबसूरत हो गई। और आप जब वर्किंग में होते हैं तो आपको फील होता है कि आप जो है अपने हस्बैंड के साथ टाइम इतने अच्छे से नहीं बिता पाते हैं जो कि आप बिताना चाहते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि जो भी वक्त मुझे मिला, और मेरे हस्बैंड की भी एक आदत रही कि जितना भी वक्त उन्हें मिला वो उन्होंने मेरे आगे पीछे ही गुजार दिया, तो मैंने भी उनके साथ ही वक्त गुजारना जो है वो मुनासिब समझा। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप जो है ये कर दीजिए, आपने ये करा। जब भी उन्होंने कोई चीज़ खुद से करने की कोशिश करी तो मैंने उसको अप्रिशिएट करा और कहा कि अगर आप मेरी इस तरह से हेल्प करते हैं तो अपन फाइनेंशियली भी और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, अपना पैसा जो है वो मेट को नहीं, और एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर मोहब्बत जो है वो बढ़ेगी। तो बस मैंने ये चीज़ जो है अपने हस्बैंड को स्टार्टिंग में क्लियर, वो अंडरस्टैंडिंग थे तो उन्होंने ये चीज़ समझी। और आज भी हम लोग ये करते हैं कि पैंडामिक हो चाहे मत हो, कोई भी मोमेंट हो चाहे मत हो, हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो वक्त को स्पेंड करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं, राउटर में जो सिम लगी हुई है उसे मोबाइल में लगा रहा हूं। बैलेंस आ गया? बैलेंस आ गया नहीं, बैलेंस तो था ही ना उसके अंदर, वो तो अपना डेटा एग्जॉस्ट हो गया था, मतलब कि जो महीने की लिमिट रहती है वो क्रॉस हो गई थी, तो इसलिए वो डेटा बंद हो गया, वापस से अगर रिन्यू हो गया वो। हाँ राउटर आपने नया वाला भी निकाल लिया क्या? ये पुराना वाला है, नया वाला भी निकाल लिया आपने? अंदर रखा वो अभी मैंने देखा नहीं है, एडिट शेडिट कर रही थी ना नेट की जी। और बिल्कुल कुछ इस तरीके से ही मियाँ साहब जो है वो बच्चे की तरबियत कर रहे हैं कि मम की हेल्प करो ताकि मम को भी सपोर्ट हो जाए और आपका टाइम जो है मम के साथ गुजर सके। उस दौरान मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी अच्छी चीज़ें मैं अपने बच्चे को समझा सकती हूँ वो मैं समझाती हूँ, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब आप काम करते करते अपने हस्बैंड के साथ या अपने बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका हस्बैंड हो या वो आपका बच्चा हो, आप अपनी मदर फादर सिस्टर या जो भी आपके घर का मेम्बर है उनके साथ इस तरीके से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बेटे को लेकर एक चीज़ हमेशा
जो मेरा थॉट प्रोसेस रहता है वो ये रहता है कि अगर हम इस तरीके से अपने बच्चे की तरबियत करते हैं कि एक पति अपनी पत्नी की हेल्प करते हुए अपने बच्चों को दिखता है, तो बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो वो उनकी वाइफ को जो है इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो बस साहब जो है कोशिश ही रहती है उनकी, बच्चा जो है मेरी हेल्प कराए ताकि जब वो बड़ा हो तो वो भी उसकी वाइफ को इतना ही प्यार करे और इतना ही सपोर्ट करे, और जिस तरीके से हमारे घर का माहौल खुशनुमा है उस तरीके से उसके घर का माहौल भी जो है वो खुशनुमा हो जाए। खाना वगैरह खाने के बाद जो एक्स्ट्रा फ्री टाइम बचा था ना, उसमें हम लोग वेज काटने के लिए बैठ गए थे। टाइम भी स्पेंड हो गया था, हंसी मजाक भी हो गई थी, और आप यकीन जाने कभी कभी तो ऐसा होता है कि मियाँ साहब जो है ना वो खुद कुकिंग करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। वैसे अब तो बहुत अच्छी कुकिंग जो है वो करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है मैं छेड़ देती हूँ और मैं कहती हूँ कि अच्छा आज आप ये बनाएंगे तो आप बिगाड़ देंगे क्या? वैसे नहीं बिगड़ता है। वैसे ही होगी, आज आप बनाने वाले हैं क्या? फिर मैं एज्यूम करती हूँ कि अगर आपने ये बनाई तो ये कैसी बनेगी? ये ऐसा लगेगा मुझे कि मैं गवार फली नहीं, कोई समझदार फली खा रहे। यस, कोई समझदार फली खा रहे। थोड़ा बहुत जिंदगी में छुटकारा जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी इतनी हसीन है, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी जो है वो कुछ खट्टा मीठा सा होना चाहिए। यही नहीं होना चाहिए कि बोरियत भरी जिंदगी है, आप अपने डेली रूटीन में लगे हुए हैं और आपकी जिंदगी जो है वो गुजर रही है, ये नहीं होना चाहिए। कभी थोड़ा सा झगड़ा भी होना चाहिए, कभी थोड़ा सा प्यार भी होना चाहिए, कभी थोड़ा सा सपोर्ट भी होना चाहिए, और बिल्कुल इसी तरीके से जिंदगी जो है वो गुजर जानी चाहिए। तो बस अभी बैठकर हम लोग यहाँ पे वेज साफ कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में अब गोश्त खाया है तो रात में कुछ वाटरी सब्जी जो है वो खाएंगे ताकि मेंटेन हो जाए। सुबह हमने हाई इन प्रोटीन लिया था, थोड़ा बहुत कार्ब था, लेकिन रात में जो है वो बिल्कुल मैं कार्ब को अवॉइड करने वाली हूँ, और गवार फली जो है वो मैं नेक्स्ट डे के लिए रखूंगी, क्योंकि आपके पास आपके अगले दिन का भी जो है वो रूटीन होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप जो है बिना प्लानिंग के नेक्स्ट डे आ जाए, और अगर आप मेरी तरह हैं जो कि घर से बाहर जाते हैं तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि अगर अब हमारे पास कोई प्लान नहीं है नेक्स्ट डे का तो वो हमारे लिए कितना उलझन वाला मामला हो जाएगा। तो मियाँ साहब ने ये जो काम करा है ना, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मुझे गवार फली यानी क्लस्टर बीन को कट करना बहुत मुश्किल का मैदान लगता है। तो बस इस तरीके से जो है मैंने नेक्स्ट डे की भी तैयारी कर ली है, और बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से दिन गुजरा। और उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग जो भी मेरी फ्रेंड्स देख रही होंगी उनकी भी उनके हस्बैंड के साथ ऐसी ही ट्यूनिंग बैठेगी और उनके परिवार में भी बहुत सारी खुशियां होंगी। अगर आपकी फैमिली भी इस तरीके से है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे पढ़ के जरूर खुशी होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।